नमस्कार, स्वागत है आपका ग्रैंड न्यूज में। मैं हूं रंजना। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भिलाई की सामाजिक संस्था ने जीता एशिया प्राइम अवार्ड। सन 2021 की विनर बनी डोनेट थोड़ा सा और लाया सा। बाबा की बारात से पहले हुई संगीत संध्या में शिवमय हो, हजारों भक्तों ने खेली ब्रजरास होली। भारतीय थल सेना भर्ती में हुई हजारों युवाओं की आमद, प्रशासन ने बनाया 11 स्कूलों में आशियाना। पांच वर्षों से रह रही बीएसपी कर्मी की पत्नी हुई उसी घर से बेघर। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। डोनेट थोड़ा सा और लाया सा को अंतर्राष्ट्रीय एशिया अवार्ड 2021 प्राप्त हुआ है। सम्मान प्राप्त होने से संस्था के लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं। डोनेट थोड़ा सा और ल्यासा को अंतर्राष्ट्रीय एशिया अवार्ड 2021 भोपाल में प्राप्त हुआ। इंटरनेशनल ह्यूमैनिटी मिशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा आयोजित एशिया प्राइवेट अवार्ड 2021 में अभिजीत पारक, सुषमा श्री और वर्षा शर्मा को अंतर्राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया। यह संगठन नीति आयोग, यूनाइटेड नेशन, डिजिटल इंडिया, ISO से प्रमाणित है और यह भारत सरकार द्वारा नामांकित है। सम्मान समारोह का आयोजन भोपाल में हुआ। डोनेट थोड़ा सा ल्यासा इंदिरा देवी गौरहा हायर सेकेंडरी स्कूल कसडोल, ये तीनों संस्थाओं को इनके कार्य के लिए सम्मानित किया गया। ये संस्थाएं जरूरतमंद बच्चे, महिलाएं और निशुल्क शिक्षा पर ध्यान देती है। ये संस्थाएं पिछले कई वर्षों से लोगों की निस्वार्थ मदद और सेवा भाव से यह कार्य कर रही है। इस आयोजन में मुख्य अतिथि बॉलीवुड के कलाकार राजीव वर्मा, हम साथ साथ हैं, मैंने प्यार किया, हम दिल दे चुके सनम जैसी कई मूवी में पिता की भूमिका निभाई थी से सम्मान पाकर अभिजीत पारक और सुषमा श्री काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं और अपनी खुशी व्यक्त करते हुए क्या कह रहे हैं, यह आप भी सुने। यह एशियन प्राइड अवार्ड है जो कि मुझे मेरे कार्यों के चलते यह अवार्ड दिया गया। पिछले 7 वर्षों से मैं जो काम करता आ रहा हूँ ज़रूरतमंद बच्चों के लिए, तो उसके चलते मेरा नाम जो है वहाँ पे चुना गया। यह अवार्ड जो है नीति आयोग और इंटरनेशनल ह्यूमैनिटी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू यह दिया गया। ये सम्मान हमको मिला है। मैं ग्रामीण क्षेत्र में जो महिलाएं होती हैं और गरीब महिलाएं, उनको मैं शिक्षा देती हूँ और उनको स्वावलंबी है, स्वयं आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये काम करती हूँ। ये काम मैं 20 वर्षों से करते चले आ रही हूँ। तो भी स्वार्थ भाव से कर रहे थे, तो जैसे वहाँ पर सिलेक्शन हुआ हमारा, तो ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर है एशिया प्राइड अवार्ड, तो इसमें हमारा सिलेक्शन हुआ, तो इसको पाकर तो मैं बहुत ज़्यादा ही गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ कि आगे मैं और भी अच्छा काम करूँ, ऐसा मेरी भावना है। भोले बाबा की बारात के पूर्व बोलबम सेवा समिति द्वारा संगीत संध्या का आयोजन किया गया। इस संगीत संध्या में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व कैबिनेट मंत्री विक्रम उसेंडी और राज्यसभा सदस्य सरोज पांडे उपस्थित थे। वहीं दिल्ली के मनोज एंड पार्टी ने मन भावन प्रस्तुति देकर लोगों का मन मोह लिया। इस्पात नगरी में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी महाशिवरात्रि पर्व पर भोले बाबा की बारात का आयोजन हो रहा है। भोले बाबा की बारात 11 मार्च को सुबह हथखोज की इंदिरा नगर से निकलेगी और जोनटू दुर्गा मैदान विवाह स्थल पर विवाह संपन्न होगा। विवाह के पहले बुधवार को संगीत संध्या का आयोजन किया गया। इस संगीत संध्या में दिल्ली के मनोज एंड पार्टी ने भगवान श्री गणेश वंदना, भगवान श्री राम दरबार, भगवान राधा कृष्ण महाराज लीला, भगवान शिव जी बारात और भगवान शिव तांडव की मनमोहक प्रस्तुति ने उपस्थित जन समुदाय का मन मोह लिया। भोले बाबा की बारात
निश्चित रूप से बहुत बड़ा ये भोले बाबा की रात के पूर्व संगीत संध्या का ये कार्यक्रम, जहाँ पर आकर के निश्चित रूप से मुझे अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ, और बड़ा ये भव्य कार्यक्रम जहाँ पर पिछले वर्ष भी आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, यहाँ पर दया जी के नीचे में बहुत अच्छा भव्यता के साथ ये कार्यक्रम हो रहा है। यहाँ पर निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि लगातार यहाँ पर भोले महाराज जी के इस कार्यक्रम में आकर के बड़ी खुशी हो रही है, और ख़ास करके आज का संगीत संध्या का कार्यक्रम यहाँ पर जो हो रहा है, निश्चित रूप से लगातार एक भलाई की दृष्टि से जहाँ पर हमारे दया जी के नेतृत्व में पूरी इनकी टीम जो लगी हुई है, जिसमें बहुत अच्छे ढंग से कार्यक्रम हो रहे हैं, निश्चित रूप से मैं इनको बधाई देता हूँ। और भव्यता के साथ 11 तारीख को भी जो कार्यक्रम होगा, जो महाशिवरात्रि में भोले बाबा के नेतृत्व में बड़ा भव्य आयोजन होने वाला है, जिसके लिए मैं बहुत बहुत इनको शुभकामनाएं देता हूँ, और आने वाले समय में ऐसे कार्यक्रम होता रहे, यही मैं अपने भोले बाबा से भी आशीर्वाद चाहता हूँ। भगवान श्री गणेश की वंदना के पश्चात भगवान श्री राम दरबार में भगवान राम जी, माता सीता जी, भगवान लक्ष्मण जी और भगवान बजरंग बली जी के किरदारों ने आम जनता का मन मोहा। भगवान श्री कृष्ण की रासलीला में भाव विभोर होकर भक्तगणों ने नृत्य किया। इस नृत्य का आनंद विक्रम उसेंडी, दया सिंह सहित सैकड़ों लोगों ने उठाया। वहीं ब्रिज की खोली में विक्रम उसेंडी, सरोज पांडे, दया सिंह सहित अन्य लोगों ने भगवान श्री कृष्ण और माता राधा रानी संग फूलों की होली खेली। निश्चित तौर पर एक बहुत सफल और बेहतर आयोजन है। मैं आयोजनकर्ताओं को और विशेष तौर पर दया सिंह जी को, उनकी पूरी टीम को इस बात के लिए साधुवाद देती हूँ। ये भिलाई की एक नई पहचान है जो उन्होंने अपने अथक प्रयास से और परिश्रम से इसको एक स्वरूप दिया है। 12 साल तक किसी आयोजन को करना और वो भी सफलतापूर्वक करना, ये अपने आप में बड़ी बात है, और निश्चित तौर पर उन्होंने 12 साल तक इस आयोजन को बेहद सफल तौर पर किया है। ये 13वां वर्ष है और बेहद सफल आयोजन है। पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश के साथ साथ बाहर से भी, अन्य प्रदेशों में भी इसकी एक अपनी विशिष्ट पहचान बन रही है। यह हम सब के लिए खुशी की बात है कि हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में इस प्रकार का आयोजन हो। दिल्ली के मनोज एंड पार्टी ने भगवान शिव जी की बारात के पश्चात शिव तांडव की प्रस्तुति में उपस्थित जन समुदाय को पूरी तरह शिवमय कर दिया। Shri 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 Shri
मैया की वे भोला शंकर हतुरा कोरे खावै रे चौसठ योगिनि नाचै कुमे डम 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 रूप जावै रे डम 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 रूप जावै रे मसान के राक्षस खेलै होली मसान के राक्षस खेलै होली धूम मचावै मसाने में भगवान शिव के अन्य रूपों के साथ भस्म आरती ने उज्जैन की महानगरी का अलौकिक दृश्य बाबा के भक्तों को देखने मिला। कैमरा पर्सन सनी देवांगन के साथ संतोष तिवारी की रिपोर्ट। भारतीय थल सेना भर्ती रैली की शुरुआत 3 मार्च से हो गई है। इस भर्ती को लेकर प्रदेश भर के युवा अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। दुर्ग स्थित पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम में 3 मार्च से थल सेना की भर्ती शुरू हो गई है। इस भर्ती में प्रदेश भर से युवाओं की आमद शुरू हो गई है। 2 दिन के अंतराल में लगभग 3,000 युवाओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। भर्ती के लिए सबसे पहले शारीरिक परीक्षा पास करना अनिवार्य है। उसके बाद ही भर्ती की प्रक्रिया में दूसरे एग्जाम के लिए परीक्षार्थी शामिल होगा। शासन ने जिले के बाहर से आने वाले प्रतिभागियों के लिए 11 स्कूलों में ठहराने की व्यवस्था की है। उसके लिए 2 नोडल अधिकारी आरके कुर्रे उप संचालक रोजगार और बीरेंद्र पंचभाई को सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम दुर्ग में 2 तारीख की रात से सेना भर्ती रैली का आयोजन स्टार्ट हो चुका है। इसमें पूरे प्रदेश से लगभग 3,000 बच्चे ने पार्टिसिपेट किया है और इसमें बच्चों के लिए हमने विभिन्न प्रकार की व्यवस्था जिला प्रशासन ने यहाँ पर किया है। इसमें विशेष तौर पर देखा जाए तो इसमें कोविड फ्री सर्टिफिकेट की एक व्यवस्था है जो बहुत इम्पोर्टेंट है। ये सर्टिफिकेट बच्चे अपने जिलों में किसी भी डॉक्टर से बनवा करके ला सकते हैं। साथ में अगर वो किसी कारणवश अगर वहाँ नहीं उनको जारी हो पाया है, ऐसी स्थिति में हमने यहाँ पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम में भी 4 डॉक्टरों की व्यवस्था यहाँ जिला प्रशासन ने किया है, यहाँ पर भी उसको जारी करवाया जा सकता है। और इनके लिए हमने विभिन्न स्कूलों में लगभग 11 स्कूल हैं जहाँ पर ठहरने का इंतज़ाम उनके लिए किया है और इनके लिए भोजन का इंतज़ाम भी उन स्कूलों में किया है जिसका अवलोकन वो दुर्ग जिले के वेबसाइट पर जो durg.gov.in पर वो देख सकते हैं। हमने एक विशेष व्यवस्था और की है ताकि बच्चों को ये पूरी विस्तृत जानकारी इसकी प्राप्त हो सके। तो मालवी नगर चौक दुर्ग में रोजगार करला है, वहाँ पर हमने कंट्रोल रूम स्थापित किया है जो विशेष रूप से यहाँ पर जो नंबर दिए जाएंगे वो नंबर पे ही बच्चे कॉल करके पूरी विस्तृत जानकारी उसमें ले सकते हैं। हजारों की संख्या में आने वाले प्रतिभागियों की कोरोना जाँच के लिए प्रशासन ने 4 डॉक्टरों की भी स्टेडियम में नियुक्ति की है। कैमरा पर्सन सन्नी देवांगन के साथ संतोष तिवारी की रिपोर्ट। किसी ने सही कहा है, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, मेरी कश्ती डूबी थी वहां जहां पानी कम था। ये कहावत सेक्टर 1 निवासी इंदु देवी पे पूर्णतः सही बैठती है। बीएसपी सेक्टर 1 सड़क 30 क्वार्टर नंबर 1A में पिछले 5 वर्षों से निवासरत इंदु देवी 1 मार्च को घर से बेघर हो गई है। इंदु देवी अपने मायके खुर्सी पार गई थी। वापस 1 मार्च को जब घर पहुंची तो उनका सारा सामान घर के बाहर बिखरा पड़ा था और उस मकान में दूसरे व्यक्ति ने अपना ताला लगा दिया था। कारण बीएसपी नगर प्रशासन के अधिकारियों ने उक्त आवास अन्य व्यक्ति के नाम अलॉट कर दिया था। 2 बार हार्ट का ऑपरेशन करा चुकी इंदु देवी का पति परशुराम भिलाई इस्पात संयंत्र के कोकोवन डिपार्टमेंट में ऑपरेटर के पद पर पदस्थ है। पिछले 5 साल से मैं उस क्वार्टर में रह रही थी और मोहन कुमार के नाम से 15 तारीख को क्वार्टर अलॉटेड हुआ है। मेरे को पुलिस 1 तारीख को बुलाए वहाँ पे बयान लेने के लिए। इस बीच में उसने मुझे मेरे सामान को बाहर फेंक दिया और उसने बल्कि वो कह रहा है कि मैं अवैध कब्जे में घुसी हुई हूँ। क्वार्टर अलॉट कराने का टाइमिंग है 21 to 30, 31 तक, बट उसने 15 तारीख को कर दिया वो अलॉटेड क्वार्टर को। और आज मेरी कंडीशन ये है कि मैं आज बेघर हूँ, पति फरार है। मैं ये चाहती हूँ कि मुझे एक घर दिया जाए पति से, और मेरे को जान का खतरा है मेरे रिश्तेदारों से।
मेरे पति के घर वालों से और ये नितिन राज से, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मुझे प्रोटेक्शन दिया जाए। मेरा मेडिकल बुक 7 तारीख से मेरे पति के पास है, प्लेजर मेरे पति के पास है, और वो अभी तक मैं सर से मंग मंग के परेशान हो गई हूँ, मुझे मिल नहीं रहा है। आज मैं नया मेडिकल 1 डे पर्ची बनाई हूँ और एक मेडिसिन ली हूँ, और मैं ये चाहती हूँ कि मेरा पुराना मेडिकल पर्ची मिले ताकि उसमें पुराना रिपोर्ट रहे। और मैं हार्ट की पेशेंट हूँ, एज मेरी 50 है, मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, बिल्कुल बेबस हूँ और एकदम दर दर की ठोकर खा रही हूँ। मेरे हस्बैंड BSP एम्प्लाई है, मैं चाहती हूँ हस्बैंड से वो मुझे प्रोटेक्शन दे, घर दे, सुख चैन से मैं जीवन बिता सकूँ। BSP नगर प्रशासन के आला अधिकारियों ने किस आधार पर उक्त आवास को किसी अन्य व्यक्ति को अलॉट किया, यह भी एक जांच का विषय है। वहीं पीड़िता जब भट्टी थाने में अपनी प्राथमिकी दर्ज कराने पहुंची, तो उसे न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का आदेश सुना दिया गया। कैमरा पर्सन सनी देवांगन के साथ संतोष तिवारी की रिपोर्ट। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सरकार 31 मार्च से 4 धार्मिक स्थानों के दर्शन कराने भारत दर्शन टूरिस्ट ट्रेन का परिचालन कर रही है, जिसके लिए टिकट बुकिंग की व्यवस्था भी शुरू हो गई है। पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देने के लिए भारत दर्शन टूरिज्म ट्रेन 31 मार्च को इतवारी स्टेशन से रवाना होकर भंडारा रोड, गोंदिया, राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, भाटापारा, बिलासपुर, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, कटनी होते हुए प्रयागराज में त्रिवेणी संगम स्नान, अयोध्या में भगवान राम की जन्मभूमि, काशी विश्वनाथ के दर्शन पश्चात जम्मू कटरा में माता रानी माँ वैष्णो देवी के दर्शन करा वापस लौटेगी। देखिए, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और अन्य जो भी राज्य हैं उनके टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए IRCTC ने एक टूरिस्ट स्पेशल ट्रेन, भारत दर्शन टूरिस्ट स्पेशल ट्रेन का आयोजन किया है, जो कि 31 मार्च से इतवारी से प्रारंभ होगी। इसके बोर्डिंग स्टेशन हैं इतवारी, भंडारा रोड, गोंडिया, राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, कटनी, शहडोल, उमरिया इत्यादि जो स्टेशन हैं। और इसके तहत हम लोग धार्मिक जो स्थल हैं, जैसे कि काशी विश्वनाथ मंदिर, हनुमान मंदिर, श्री राम मंदिर, अयोध्या, प्रयागराज, जो भी माता वैष्णो देवी, ये धार्मिक स्थल हैं, ये हम लोग दर्शन करवाएंगे। और इसकी बुकिंग शुरू हो चुकी है और इसकी वेबसाइट के द्वारा हम लोग, आप लोग बुकिंग करवा सकते हैं। इसका वेबसाइट है www.irctctourism.com और हमारे ये जो हेल्पलाइन नंबर है उसके द्वारा भी आप बुकिंग करवा सकते हैं, और हेल्पलाइन नंबर है 8287932242। और इसका इस पैकेज का मूल्य है स्लीपर क्लास के लिए 9030 रुपया और 3 AC के लिए है 10920 रुपया। इसमें एज का कोई डिफरेंस है? नहीं, एज का ऐसा कुछ नहीं है। 5 साल के जो से जो नीचे बच्चे हैं उनके लिए किराया नहीं लगेगा। और इनके स्वास्थ्य सुविधा के लिए किस तरह का है? हर एक टूरिस्ट को हम लोग हर रोज फेस मास्क देंगे, सैनिटाइजर देंगे और डॉक्टर की भी सुविधा रहेगी। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड की ओर से भारत दर्शन टूरिज्म ट्रेन चलाई जा रही है। 9 दिवसीय यात्रा में स्लीपर टिकट का मूल्य 9030 रुपये और AC टिकट का मूल्य 10920 रुपये रखा गया है। कैमरा पर्सन सनी देवांगन के साथ संतोष तिवारी की रिपोर्ट। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। सेलिब्रेशन सफारी, बारनवा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित खूबसूरत कॉटेज एंड रूम्स, बस्तर आर्ट से सुसज्जित शानदार कॉटेज, सर्व सुविधा युक्त रूम्स, बाथटब युक्त बाथरूम, स्विमिंग पूल, बच्चों के खेलने के लिए पार्क, खान पान की व्यवस्था, प्रोफेशनल सर्विस, सेंचुरी घुमाने के लिए वाहन की व्यवस्था। सेलिब्रेशन सफारी बारनवा पारा। फॉर बुकिंग एंड मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9425507202।
मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफी ज्यादा बाल कोमे से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरु जी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ दो यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है, और सिर्फ चार वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है, और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury-packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Barat Swagat, including welcome drink, snacks and sweets, a breathtakingly decorated welcome gate, and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire, and exclusive DJ beats for extreme fun, and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. दुर्ग जिले में चिकित्सा के क्षेत्र में वरदान साबित हो रहा SR हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर। धमदा रोड चिखली में संचालित SR हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर में सुविधाएं भारत सरकार की आयुष्मान योजना के तहत मरीजों का निशुल्क अस्पताल में इलाज, ICU, NICU की सुविधा, इलाज से संबंधित सभी कार्य, सीटी स्कैन, एक्सरे, सोनोग्राफी और ECG के साथ 24 घंटे मेडिकल स्टोर्स की सुविधा उपलब्ध है। भारत सरकार की आयुष्मान योजना के तहत जले हुए मरीजों, एक्सीडेंटल मरीजों एवं पाली ट्रामा के मरीजों का भी इलाज किया जाता है। हॉस्पिटल में 24 घंटे एम्बुलेंस की भी सुविधा उपलब्ध है। SR हॉस्पिटल में हड्डी से संबंधित सभी रोग, दांतों से संबंधित सभी रोग और सभी बीमारियों का इलाज अनुभवी डॉक्टरों की टीम के द्वारा किया जाता है। हमारा पता SR हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर, चिखली रोड, दुर्ग, छत्तीसगढ़। हेल्पलाइन नंबर 6262613200, 6262613300, 6262613400। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नीरोज इस्पात प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हथकुज भिलाई में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 50वां राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसका आयोजन संयंत्र में 4 मार्च से 10 मार्च तक किया जाएगा, जिसमें सप्ताह भर विभिन्न प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। भिलाई हथकोज स्थित नीरोज इस्पात उद्योग में 4 मार्च से 10 मार्च तक 50वां राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत हो गई है, जिसमें प्रथम दिवस को सेफ्टी रन के रूप में शुरू किया गया एवं सभी उपस्थित कर्मचारियों और अधिकारियों को सुरक्षा शपथ दिलवाकर इस दौड़ का शुभारंभ किया गया। इस दौड़ में उद्योग के कर्मचारी और अधिकारियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस सेफ्टी रन प्रतियोगिता में प्रतिभागियों की संख्या लगभग 200 से अधिक थी। सेफ्टी रन संपूर्ण इंडस्ट्रियल एरिया का भ्रमण करते हुए वापस कंपनी में ही समाप्त हुई।
चार किलोमीटर की इस दौड़ में प्रथम शमशेर सिंह, द्वितीय राजेश साहू एवं तृतीय नारायण कुमार ने अपना नाम नामांकित किया। इस प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय आए हुए कर्मचारियों को विशेष पुरस्कार से, सभी भाग लिए हुए प्रतिभागियों को संतावना पुरस्कार से पुरस्कृत किया जाएगा। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी इस उद्योग के डायरेक्टर मनोज गोयल के द्वारा 50वां राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है, जो लगातार 7 दिनों तक दिनांक 4 मार्च से 10 मार्च तक विभिन्न सुरक्षा उपकरणों की जानकारी देकर मनाया जाएगा। कारखाना प्रबंधक शेखर पहाड़े की माने तो विभिन्न प्रतियोगिताओं के माध्यम से सुरक्षा सप्ताह मनाने से अपने उद्योग के साथ आसपास के सभी उद्योगों में इसका बहुत ही अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है। राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह को लेकर निरोज इस्पात के सेफ्टी इंचार्ज अनिल दीक्षित ने ग्रैंड न्यूज़ को संपूर्ण जानकारियों से अवगत कराया। निरोज इस्पात में हम लोग राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह मना रहे हैं, 4 मार्च से लेकर 10 मार्च तक मनाया जाएगा, जिसकी शुरुआत आज हमने सेफ्टी रन के साथ की है। और सेफ्टी रन का हमारा उद्देश्य है कि वर्कर्स के अंदर मोटिवेशन आए कि स्वस्थ रहेंगे तो अच्छा काम कर सकते हैं, और खुद तो स्वस्थ रहे ही और सुरक्षित कार्य करें, बाकी अपने को वर्कर्स को भी मोटिवेशन दें कि वो भी सुरक्षित कार्य कर सकें। और हमने जो सेफ्टी रन कराया उसका उद्देश्य ये था कि हम तो ये चीज़ें करते ही हैं, बाकी जो इंडस्ट्रीज हैं वो इंडस्ट्रीज भी इस तरह के आयोजन करें ताकि वर्कर्स सुरक्षित रहेंगे, सेफ रहेंगे तो प्रोडक्शन ऑटोमेटिक आए। छत्तीसगढ़ में कोरोना वैक्सीनेशन के तीसरे चरण में टीकाकरण अभियान शुरू हो गया है। इस दौरान बालोद जिले के शासकीय व 4 निजी अस्पतालों में 60 वर्षों से अधिक उम्र के लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है। आपको बता दें कि इस टीकाकरण को लेकर जहां लोगों में अब भी कई तरह की भ्रांतियां हैं, वहीं जिले के मुखिया बालोद कलेक्टर ने अपनी माता को किसी निजी अस्पताल के बजाय जिला अस्पताल ले जाकर टीका लगवाया। मामले में बालोद कलेक्टर की माने तो वे खुद अपनी माता के टीकाकरण के लिए स्पॉट रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद ही कोरोना का टीका लगवाया। वहीं लोगों से अपील की कि टीका में किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है और इस टीकाकरण को लेकर जिला के सभी डॉक्टरों की टीम भी सजग है। देखिए, आज मैंने अपनी माता श्री जो 80 ईयर्स की है उनका पहला डोज वैक्सीन का लगाया है। जैसा कि शासन ने एक व्यवस्था की है कि 60 वर्ष के ऊपर वालों का 1 तारीख से वैक्सीनेशन का, तो आज मैंने स्पॉट रजिस्ट्रेशन करवा कर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में उनका वैक्सीनेशन करवाया, पहला डोज उन्हें दिया गया है। और मैं सभी नागरिकों को बालोद जिले के ये मैसेज देना चाहूँगा कि वैक्सीनेशन करवाने में किसी तरह की कोई समस्या नहीं है और वहाँ पर चिकित्सक उपलब्ध हैं। किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन रहता है तो काउंसलिंग की व्यवस्था है, और वैक्सीनेशन के बाद भी उनको सर्विलेंस में रखा जाएगा और किसी तरह की कोई दिक्कत आने पर उसकी स्वास्थ्य की बेहतर स्वास्थ्य की पूरी सुविधा उपलब्ध होगी। रिसाली क्षेत्र में इन दिनों नगर निगम में बंद पड़ी बोरिंगों की मरम्मत का कार्य युद्ध स्तर पर निगम कर रही है। रिसाली नगर निगम मोहारी मरोदा में बंद पड़ी बोरिंग की मरम्मत कर उन्हें पुनः शुरू करने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य कर रहा है। कारण इस साल भीषण गर्मी पड़ने की संभावना है, वहीं 2 माह के अंतराल निगम का चुनाव भी है। यदि चुनाव जीतना है तो गर्मी में पानी की व्यवस्था करनी पड़ेगी। इस कड़ी में गुरुवार को मोहारी मरोदा यूको बैंक के सामने स्थित बोरिंग की मरम्मत का कार्य निगम ने शुरू किया। वहीं निगम के गलियारों की माने तो लगभग 25 बोरिंग रिसाली निगम क्षेत्र की बंद पड़ी है। वाटर लेवल डाउन होने से, पाइप डालने से ऊपर आ जाएगा पानी, और इधर व्यापी चौक मोहारी मरोदा यूको बैंक के सामने ये बोर लगा हुआ है, और यहाँ पर यूको बैंक के सामने बहुत सारे यूको बैंक के ग्राहक लोग आते हैं और सभी को यहाँ पर पानी की ज़रूरत है, और यहाँ पर करीब करीब 20-25 बोर खराब पड़ा हुआ है। सभी को हमारे गृह मंत्री माननीय ताम्रध्वज साहू जी ने उनके निर्देशानुसार इस क्षेत्र में वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए भारी गंभीर विषम गर्मी को निपटने के लिए माननीय गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जी ने
पेयजल की व्यवस्था के लिए संधारण का काम PWD PHC द्वारा कराए जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। रिसाली नगर निगम के रहवासी अब पूरी तरह से छत्तीसगढ़ शासन के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू पर पूरी तरह से आश्रित हैं। उनकी छोटी बड़ी सभी तरह की समस्याओं का त्वरित निदान गृह मंत्री के द्वारा किया भी जा रहा है। कैमरा पर्सन सनी देवांगन के साथ अतुल शर्मा की रिपोर्ट। इस्पात नगरी के DPS चौक रिसाली में यातायात पुलिस ने दो पहिया वाहन चालकों की चेकिंग की। यातायात निरीक्षक लता चौरे की टीम ने रोजाना चेकिंग के तहत गुरुवार को भी अपना निशाना दो पहिया वाहन चालकों को बनाया। जिला पुलिस द्वारा पूर्व में यातायात सुरक्षा माह में वाहन चालकों को हेलमेट पहनने, ड्राइविंग लाइसेंस साथ रखने और कार चालकों को अपना सेफ्टी बेल्ट बांधने की सलाह दी, लेकिन पब्लिक है कि मानती नहीं। वहीं यातायात निरीक्षक लता चौरे ने मीडिया वालों को भी नहीं बख्शा। ये डेली रूटीन चेकिंग होता है, जो हेलमेट लगा के नहीं चल रहे हैं, तीन सवारी है, फोर व्हीलर में सीट बेल्ट लगा के नहीं चल रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। इसके पहले सड़क सुरक्षा के तहत एक महीना तक हम लोग रैली निकाल के दौड़ करके बाइक रैली, साइकिल रैली सब करवा के लोगों को जागरूक किए। नुक्कड़ नाटक जगह जगह किया गया, लेकिन कोई नहीं मानते ना। आप लोग भी पहनते, मीडिया वाले कोई हेलमेट नहीं पहनता। जब भी होता है तो बस ये कार्ड दिखा देते हैं, हम इस मीडिया से हैं, उस मीडिया से करके। ना मास्क आप लोगों को अलाउ है, ना हेलमेट। जागरूक करने के बावजूद भी नहीं पहनना चाहते। हेलमेट तो बिल्कुल लगा के चलना ही नहीं चाहते। ग्रैंड न्यूज़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।